हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम, जहां पर आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज, जैसे आपको लिखने होते हैं एग्जाम में। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये यूनिट 1, 2 और 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट 4 में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन WHO एंड ICH गाइडलाइन, ये हमारे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के अंदर तो नहीं आया है, पर ये BOP 235 वाले सब्जेक्ट में से आया था 2019-20 में, और ये WHO और ICH की गाइडलाइन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड भी किया है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन पेटेंट और क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ पेटेंट, ये हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में ही 2020 वाले एग्जाम के अंदर आया था। और थर्ड क्वेश्चन है राइट अबाउट शेड्यूल जेड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉर आशू ड्रग्स, ये जो शेड्यूल जेड है आपके सिलेबस में यूनिट 4 और यूनिट 5 में दो शेड्यूल है, यहाँ पर है शेड्यूल जेड और यूनिट 5 के अंदर है शेड्यूल टी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल होते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कॉग्नोसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों ही शेड्यूल के अंदर जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं उनके बारे में रेगुलेशंस हैं, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल जेड भी और शेड्यूल टी भी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये दोनों आपको करने हैं। शेड्यूल जेड यूनिट 4 के अंदर करना है और शेड्यूल टी यूनिट 5 के अंदर करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है WHO और ICH की गाइडलाइंस, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले WHO की गाइडलाइन पढ़ते हैं क्वालिटी असेसमेंट के लिए। अब यहाँ जहाँ भी असेसमेंट आ जाएगा ना, वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर तीन चीज़ें देखनी है, क्वालिटी देखनी है, सेफ्टी देखनी है और एफिकेसी देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं WHO गाइडलाइंस के। तो जो WHO गाइडलाइंस हैं उन्होंने बेसिक क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जो भी हर्बल ड्रग्स होते हैं उनकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी इवेलुएशंस के लिए। इसीलिए जब हम ये इवेलुएशंस कर लेते हैं तो वो हमें काम कहाँ पे आते हैं, जितनी भी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी होती हैं या फिर जितने भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पर हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये दिखाने होते हैं। जैसे अगर हम अपने कोई भी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन हो भी गया है, अगर कोई इंस्पेक्टर चेक करने आएगा, तो इसीलिए हमें ये तीनों के तीनों चीज़ों पे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास, अगर हमें कोई भी आए, कोई भी इंस्पेक्ट करने आए तो हम उसको शो कर सकें। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, वो है कि जो इथनोलॉजिकल बैकग्राउंड वाले ड्रग्स होते थे, इथनोलॉजिकल मतलब लॉन्ग टाइम से जो लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जैसे नीम की अभी स्टडी हुई है, पर पुराने लोगों को ऑलरेडी पता था कि नीम को अगर वुंड पे लगा लो, घाव पे लगा लो तो ठीक हो जाता है, तो ये ऑलरेडी पता था ना लोगों को, इसको बोलते हैं इथनोलॉजिकल बैकग्राउंड या इथनोलॉजिकल नॉलेज, चाहे वो हिस्टोरिकल नॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल नॉलेज हो किसी भी चीज़ के बारे में, या फिर असेसमेंट और ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस हो, ये सबका मीनिंग एक ही है। तो इनके असेसमेंट के लिए भी WHO ने गाइडलाइंस दी हुई हैं, क्योंकि हम उसको बहुत समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हमें उसके इफ़ेक्ट के बारे में तो पता है, लेकिन अगर उसका डोज ज़्यादा हो जाए, उससे क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है, हमें उसके सेफ्टी के लिए क्या क्या पैरामीटर्स रखने चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए, तो उसकी भी तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बहुत समय से यूज़ करते आ रहे हैं लेकिन हमने उसके ऊपर अभी रिसर्च थोड़े ना किया है, तो इसीलिए जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो हम इथनोलॉजिकल मेडिसिंस भी होती हैं उनके लिए भी हमें क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी तीनों पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। यहाँ पर जो असेसमेंट है क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी का, वो मैंने यहाँ पर थोड़ा ये फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है, आगे बहुत डिटेल में है, अब यहाँ से पढ़ के वहाँ पे पढ़ोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जो WHO गाइडलाइन है क्वालिटी असेसमेंट पे, उसमें सबसे पहले आता है असेसमेंट ऑफ क्वालिटी, और चाहे वो WHO की गाइडलाइन हो चाहे वो ICH की गाइडलाइन हो, ये तीन टर्म तो होते ही हैं, QSE ये तो WHO गाइडलाइंस में होते हैं, और ICH गाइडलाइन जो होती है उसमें एक M और ऐड हो जाता है, ये है WHO, QSE और जो ICH होता है वहाँ पर एक और ऐड हो जाता है M, जिसको हम QSM भी बोलते हैं, आपने ये दूसरा सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल अश्योरेंस उसके अंदर भी पढ़ा होगा।
अब यहाँ पर देख लेते हैं असेसमेंट ऑफ क्वालिटी के अंदर। तो यहाँ पर हम क्वालिटी असेसमेंट सबसे पहले करेंगे क्रूड प्लांट मटेरियल की। क्रूड प्लांट मटेरियल मतलब जो ड्रग हमें अभी हार्वेस्ट करके लेके आए हैं उसको बोलते हैं क्रूड प्लांट मटेरियल, जिसमें अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं करी गई है। सेकेंड है क्वालिटी असेसमेंट करना होता है प्लांट प्रिपरेशन का। तो प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, ये जो क्रूड प्लांट मटेरियल लेके आए थे इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर ली है। थर्ड है क्वालिटी असेसमेंट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है, हमने कोई ना कोई एडिटिव्स ऐड करके अभी फाइनल प्रोडक्ट बना दिया है जिसको मार्केट होने के लिए जाना है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी असेसमेंट ऑन स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म पर उस वो जो प्रोडक्ट है वो कितना सेफ रहता है, कितना स्टेबल रहता है, वो डिग्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं असेसमेंट ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी के अंदर हमें दो स्टडी करनी होती है बेसिकली, एक टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी और एक कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी। टॉक्सिकोलॉजिकल मतलब उससे एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, और कार्सिनोजेनिसिटी मतलब हमारे ड्रग से कैंसर तो नहीं होता, उसका भी एविडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ एफिकेसी, तो एफिकेसी के अंदर हमें एक्टिविटी देखनी है सबसे पहले ड्रग की, कि वो ड्रग की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, और सेकेंड है कि जो भी इंडिकेशन दे रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर खा रहता है ना हर्बल ड्रग के ऊपर कि ये एंटी कैंसर ड्रग है या ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो जो भी हम इंडिकेशन दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास एविडेंस है या नहीं है। सबसे पहले देखेंगे असेसमेंट ऑफ क्वालिटी को जो आपने फर्स्ट पढ़ा था। तो असेसमेंट ऑफ क्वालिटी जो होता है उसके लिए WHO ने गाइडलाइन दी हुई है। जितनी भी गाइडलाइन है अगर वो सारे के सारे गाइडलाइन को फुलफिल कर लेते हैं हम तभी अपने प्रोडक्ट को मार्केट के लिए सेल कर सकते हैं। जितने भी क्वालिटी असेसमेंट के लिए जितने भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं WHO ने, हमें सबको फुलफिल करना होता है। अब हमें जो क्वालिटी का असेसमेंट करना है वो करना किस किस के अंदर है, तो सबसे पहले हमें करना होता है क्रूड प्लांट मटेरियल के। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो आपका यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट ही टॉपिक है, फर्स्ट ही टॉपिक उसके अंदर दी हुई है डेफिनेशन पूछने के लिए। जैसे डेफिनेशन पूछी है वहां पर हर्ब की, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन की और हर्बल ड्रग प्रोडक्ट की या हर्बल प्रोडक्ट, और एक और दिया है हर्बल मेडिसिन। ये चार डेफिनेशन के बारे में पूछा है वहां पर। तो आप अगर यहाँ पर ये वाला असेसमेंट ऑफ क्वालिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप ये सोच लो यूनिट फर्स्ट के ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपको ये भी तैयार हो जाएगा। क्यों तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वही तीन चीज तो इसमें से यहाँ पर ही दी हुई है। जैसे हर्ब दिया हुआ है यहाँ पर, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, हर्बल प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, केवल हर्बल मेडिसिन नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसका भी मीनिंग मैं समझा दूंगी, तो आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लो यूनिट फर्स्ट का भी, ये पूरा टॉपिक आपको यहीं से ही तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं फिर यहाँ पर चलते हम, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। जो हर्ब होता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये प्लांट है ना, उनको हमने उनकी क्रूड फॉर्म में ले लिया है, उसको हम बोलते हैं हर्ब। उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं करी है। जैसे प्लांट लिया, प्लांट की अगर लीफ यूज होती है तो हमने लीफ बस उसकी काट ली है या उनका पाउडर बना लिया बस, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं करते हम। जैसे अगर उसका सीड यूज हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे जीरा धनिया लौंग वोंग है या फिर ये यहाँ पे लीव्स वगैरह हैं, तो इन सबको हम बोलते हैं हर्ब, क्योंकि इनके अंदर अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, इसीलिए इन सबको बोलते हैं हर्ब। सेकेंड होता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर लिया। प्रिपरेशन मतलब जैसे अगर हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है, अगर हमने उसका टिंचर बना लिया है, या फिर जैसे प्लांट होते हैं ना ये सीड है, अगर हमने इस सीड के अंदर से इसका ऑयल निकाल लिया तो वो भी क्या कर लिया, हमने प्रिपरेशन कर ली ना, तो वो भी क्या बन जाएगा, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन बन जाएगा। या फिर बहुत सारे वॉलेटाइल ऑयल होते हैं, जैसे ये यहाँ पर लीव्स हैं, इनके अंदर हो सकता है वॉलेटाइल ऑयल हो, अगर हमने इसके वॉलेटाइल ऑयल को बाहर निकाल लिया तो भी वो क्या हो जाएगा, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। बेसिकली हर्बल ड्रग प्रिपरेशन किसको बोलेंगे, जिसके अंदर हमने कुछ प्रिपरेशन कर ली हो, उससे एक्सट्रैक्ट निकाल लिया हो, उसका जूस निकाल लिया हो, उसके एसेंशियल ऑयल निकाल लिए हो, उसका फिक्स्ड ऑयल निकाल लिया हो, उसका प्यूरिफिकेशन कर लिया हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन कर लिया हो, तो अगर हमने कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व कर दी हो क्रूड ड्रग के अंदर, उसको हम बोलते हैं हर्बल ड्रग प्रिपरेशन।
थर्ड आता है हर्बल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो आप मार्केट से लेके आते हो ना ऐसे कंटेनर में बंद मिलता है एक बॉटल, ये इसको बोलते हैं हर्बल प्रोडक्ट। और इसके अंदर क्या होता है, जो हर्बल ड्रग प्रिपरेशन होती है ना ये उसके बाद बनता है। हर्बल ड्रग प्रिपरेशन बना ली हमने, एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, जूस निकाल लिया, उसको कॉन्सेंट्रेट कर लिया, प्यूरिफिकेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में हम उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा कोई एडिटिव्स ऐड कर देते हैं। जैसे फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर दिया, स्टेबिलिटी एनहेंसर ऐड कर दिया, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर दिया, प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिए, ये सारी के सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, उस फाइनल प्रोडक्ट को बोलते हैं हर्बल प्रोडक्ट। अब आता है फोर्थ, जो यहाँ पर तो नहीं है पर आपकी यूनिट फर्स्ट के अंदर है तो इसलिए मैं समझा देती हूँ। हर्बल मेडिसिन आता है, हर्बल मेडिसिन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ों को मिला के बोलते हैं हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन हर्ब को भी बोल सकते हैं क्योंकि हम ऐसे ही उसकी क्रूड फॉर्म में भी तो खा ही लेते हैं एज मेडिसिन कोई भी प्लांट को, या फिर हर्बल ड्रग प्रिपरेशन है तो एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका जूस निकाल के ऐसे भी तो हम खाते ही हैं एज मेडिसिन, तो इसको भी बोल सकते हैं। और हर्बल प्रोडक्ट तो को तो खाते ही हैं एज हर्बल मेडिसिन, तो इसको तो बोल ही सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको आई होप अभी समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्रूड प्लांट मटेरियल के लिए क्या क्या क्वालिटी असेसमेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो भी क्रूड प्लांट मटेरियल है हमें उसकी बोटेनिकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मतलब उसका जीनस पता होना चाहिए, स्पीशीज पता होनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी पता होनी चाहिए। और पता होने के बाद में हमारे डॉक्यूमेंट में सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। और जो भी प्लांट को हम यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, वो प्रोसीजर भी लिखा हुआ होना चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ प्लांट का, कि हम उसका कौन सा पार्ट यूज़ करा है। जैसे आपने तुलसी का भी कोई मेडिसिन बनाया तो आप उसमें स्पेसिफाई करोगे कि तुलसी के लीफ पार्ट यूज़ करके बनाई है हमने अपनी मेडिसिन। नेक्स्ट है कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं और उनकी पॉसिबल लिमिट कितनी है वो भी डिफाइन होनी चाहिए। तो जैसे आपने तुलसी की लीफ ली, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और तुलसी का जो भी एक्टिव कंपोनेंट है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम तुलसी के अंदर ये वाला एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से हमने अपना ड्रग बनाया है और उसका इतना अमाउंट है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है फॉरेन मैटर इम्प्योरिटी या माइक्रोबियल कॉन्टेंट जो होते हैं। जैसे जब हम हर्बल ड्रग बनाते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें आ सकती हैं ना, तो इन तीनों की क्वांटिटी कितनी हो सकती है आपके प्रोडक्ट में और उसकी लिमिट क्या है। जैसे आपके प्रोडक्ट में जैसे जो उसकी लिमिट है वो स्पेसिफाई कर दी है WHO ने कि 0.01% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप ये बताओगे कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर तो 0.005% है, तो मतलब ये जो WHO ने दी हुई है इससे कम है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, आपको ये बताना होगा वहाँ पे। नेक्स्ट आता है कि हमें एक वाउचर स्पेसिमेन बनाना होता है जिस भी प्लांट का हम ड्रग बनाना चाह रहे हैं और उसको हमें ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है। ऑथेंटिकेट मतलब वो ऑथेंटिक है, वो प्योर है, वो एकदम असली है, ये हमें ऑथेंटिकेशन करवानी होती है क्वालिफाइड बोटेनिस्ट से, क्योंकि बोटेनिस्ट को ही सबसे ज़्यादा पता होगा ना। और उसको हमें स्टोर करवाना होता है 10 ईयर्स के लिए, क्योंकि हमने अभी प्रोडक्ट बनाया है पर हमें जो हमारा वाउचर स्पेसिमेन है उसको बोटेनिस्ट को देके आना पड़ता है, उसको स्टोर करवाना पड़ता है 10 ईयर्स के लिए कि आगे 10 ईयर्स में अगर कोई भी गड़बड़ हो तो हम अपना वाउचर स्पेसिमेन दिखा सकें। नेक्स्ट आता है एक लॉट नंबर भी असाइन करवाना पड़ता है हमें अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे आपने देखा होगा जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उन पे लॉट नंबर दिया होता है ना, तो वो भी हमें यहाँ पर लॉट नंबर भी देना होगा अगर हम कोई भी क्रूड प्लांट मटेरियल को बेचना चाह रहे हैं एज ड्रग। नेक्स्ट आता है जो प्लांट प्रिपरेशन होती हैं उनके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, उनकी क्वालिटी असेसमेंट के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो जैसे मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि प्लांट प्रिपरेशन को आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर हर्बल ड्रग प्रिपरेशन के अंदर इंक्लूड करा गया है, और ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये मैंने वही लिखे हुए हैं जो आपकी यूनिट फर्स्ट में जिस नाम से पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो प्लांट प्रिपरेशन होती हैं वो होती क्या हैं, तो कोई भी पाउडर्ड प्लांट मटेरियल को बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट को बोल सकते हैं, टिंचर को बोल सकते हैं, फैटी या एसेंशियल ऑयल, एक्सप्रेस जूस, या फिर कोई भी हमने प्रिपरेशन करी है जिसके अंदर फ्रैक्शनेशन प्योरिफिकेशन या कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस हुई है। तो बेसिकली ये क्रूड प्लांट मटेरियल ही होता है, पर अगर हमने क्रूड प्लांट मटेरियल के अंदर कोई भी प्रिपरेशन कर दी है, कोई भी उसकी प्रोसेसिंग कर दी है, तो उसको हम बोल देते हैं फिर प्लांट प्रिपरेशन।
जैसे यहाँ पर आप देखोगे वहां पर आप सीड लीव्स वीव्स ये सारी चीजें देख रहे थे, पर यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जैसे ये एक्सट्रैक्ट निकाल लिया गया है, जैसे ये यहाँ पे फिक्स्ड ऑयल और वॉलेटाइल ऑयल निकाल लिए गए हैं, तो इनको हम अभी क्या बोलेंगे, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन बोलेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है इनको बनाने की, जैसे अगर आपने अगर एक्सट्रैक्शन भी किया है तो एक्सट्रैक्शन करने का क्या प्रोसेस है वो आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल में। अगर कोई भी सब्सटेंस आपने ऐड करा है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा, और आपने उसके उसको कितने लेवल तक ऐड किया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो भी इसमें जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं उनका आइडेंटिफिकेशन अगर पॉसिबल है, जैसे उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा। और अगर आइडेंटिफिकेशन एक्टिव प्रिंसिपल का पॉसिबल ना हो, आपको नहीं पता हो, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो क्वांटिटी है वो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू बतानी पड़ेगी। जैसे अगर आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं पता तो आपको क्रोमेटोग्राफी का मेथड डेवलपमेंट करना पड़ेगा और क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर वहां पर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है उसके क्वालिटी असेसमेंट के लिए क्या क्या गाइडलाइन दी है WHO ने। तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो हर्बल मेडिसिनल प्रिपरेशन से ही बनाया जाता है। जैसे आपने अभी ऊपर प्रिपरेशन पढ़ लिया, तो प्रिपरेशन में ही जब हम दो या दो से ज़्यादा या एक कितने भी एडिटिव्स ऐड कर देते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, अगर ये खादी का भी देखोगे आप, आंवला भृंगराज का ऑयल है ये, तो इस ऑयल के अंदर प्रिजर्वेटिव भी ऑयल तो होगा ही होगा, वो तो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब वो तो प्रिपरेशन है, पर उसके अलावा और भी प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करे होंगे, एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड करे होंगे, इसके अंडेंस भी ऐड किया होगा, तो अभी एडिटिव्स भी ऐड कर दिए ना, अभी ये क्या बन गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। हर्बल प्रिपरेशंस जो होती हैं उन्हीं को ही हर्बल प्रोडक्ट में बना देते हैं ऐड करके एक या एक से ज़्यादा एक्सीपिएंट को। क्यों ऐड करते हैं, ताकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ जाए और अपीयरेंस बढ़ जाए हमारे प्रोडक्ट की। इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है इसको बनाने के लिए, इसका क्या फॉर्मूला है, कौन सी चीज़ें कितनी कितनी अमाउंट में ऐड करी गई हैं, वो सारी की सारी आप डिस्क्राइब करोगे डिटेल में। और फिर यहाँ पर एक मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेथड है आपको वो बताना पड़ेगा। जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके क्वांटिफिकेशन के लिए, क्वांटिफिकेशन मतलब उसका अमाउंट कितना है। और नेक्स्ट है कि अगर आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं पता है एक्टिव प्रिंसिपल का तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्रोमेटोग्राफी को के थ्रू बताना पड़ेगा कि एक्टिव अमाउंट जो है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं उनका रेगुलेटरी स्टेटस क्या है आपकी कंट्री के अंदर, जहां पर भी वो बनाया है आपको वो भी पता होना चाहिए, वो भी हमें रिक्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन दी हुई है WHO ने। तो फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की, जो जिसको भी हमने मार्केट किया है उसके लिए जो जो भी डिफाइंड स्टोरेज कंडीशन में आपने उसकी टेस्टिंग करी है, कौन कौन सी डिफाइंड स्टोरेज कंडीशंस में वो स्टेबल रहता है, वो भी आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी और डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी शो करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं असेसमेंट ऑफ सेफ्टी। जो असेसमेंट ऑफ क्वालिटी था उसके चार पॉइंट थे ABCD, वो हो गए हैं, अभी ये है सेकंड पॉइंट असेसमेंट ऑफ सेफ्टी। तो असेसमेंट ऑफ सेफ्टी के लिए भी WHO ने गाइडलाइन दी हुई है, और यहाँ पर सेफ्टी के लिए भी हमें दो चीज़ें करनी होती हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी एंड कार्सिनोजेनिक स्टडी। जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी हैं, अगर हमारे जो भी हर्बल मेडिसिन है अगर उसके अंदर कोई भी एडवर्स रिएक्शन पाए जाते हैं तो वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, और जो भी टॉक्सिकोलॉजिकल रिस्क हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे डिटरमाइन करने के बाद में। और नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट है, अगर आपके कोई भी ड्रग के अंदर कोई भी रिस्क मिलता है या स्पेशल डेंजर एलर्जीज मिलती हैं तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी और सबमिट करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आते हैं कार्सिनोजेनिक स्टडी पे। तो कार्सिनोजेनिक स्टडी जो है वो हमें अच्छे से स्टडी करनी है, और अगर हमें कोई भी नहीं मिलती है कार्सिनोजेनिसिटी अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो हमें डाटा भी उसका सबमिट करना होता है कि हमने कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी कर ली है और हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कार्सिनोजेनिक एजेंट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे असेसमेंट एफिकेसी का।
तो एफिकेसी के लिए हमें दो चीज़ें करनी होती हैं, उसकी एक्टिविटी देखनी पड़ती है और एविडेंस क्या क्या रिक्वायर होते हैं इंडिकेशंस को सपोर्ट करने के लिए, तो वो एविडेंस भी हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले एक्टिविटी जो होती है उसके लिए हमें फार्माकोलॉजिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल करने होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट के, कि वो जाके रिसेप्टर से बाइंड हो रही है, रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट कर रही है, इनहिबिट कर रही है, क्या कर रही है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल करते हैं इसके लिए। और नेक्स्ट है एविडेंस रिक्वायर्ड सपोर्ट इंडिकेशन, जो भी हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर इंडिकेशन दी हुई है कि ये फीवर कम करेगा या ये कैंसर को ट्रीट करेगा या ये हाइपरटेंशन में यूज होगा, जो भी इंडिकेशन दे रखी है उसके लिए भी हमें एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी आपने इंडिकेशन दी हुई है अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए वो स्पेसिफाई होनी चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए। और जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं उनका प्रूफ ऑफ एफिकेसी हमारे पास होना चाहिए। जैसे हम करक्यूमा को यूज कर रहे हैं, हम हल्दी को यूज कर रहे हैं वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए काफी टाइम से, लेकिन अभी हमारे पास उसका प्रूफ ऑफ एफिकेसी होना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि इसको तो बहुत टाइम से यूज करते हैं तो इसीलिए हमने हमारे पास इसका एफिकेसी डाटा नहीं है, हमारे पास सारी के सारी रिसर्च होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के लिए कौन कौन सी होनी चाहिए, जो पेशेंट है उसके लिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो ना कोई भी प्रोडक्ट उसपे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है ना, उनको ही बोलते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे लीफलेट भी होता है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है ना, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम होता है, फिर उसके इंग्रेडिएंट होते हैं, उनका कितना कितना क्वांटिटी है ये भी दिया हुआ होता है, फिर ये बच्चे के लिए है या फिर ये बूढ़ों के लिए है, जिसके भी लिए वो सारी के सारी वार्निंग्स वगैरह जो होती हैं सबको हम बोलते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। लेबलिंग जो होती है प्रोडक्ट की वो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होनी चाहिए, पेशेंट या कंज्यूमर जो होता है उसको समझ में आनी चाहिए। और जो भी एलिमेंट होते हैं इन्फॉर्मेशन के वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले नेम ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं उनकी क्वांटिटेटिव लिस्ट होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव लिस्ट मतलब उसका नाम होना चाहिए और उसके आगे उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। थर्ड है डोसेस फॉर्म, डोसेस फॉर्म उसका है क्या, टैबलेट है या फिर इमल्शन है, सस्पेंशन है, क्या है, वो भी स्पेसिफाई होना चाहिए। और नेक्स्ट फोर्थ आता है इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब क्या क्या है इसके अंदर, आप इसको कैसे ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते हैं, ये कब बनाया था, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, वो सारे के सारे होते हैं इंडिकेशन। जैसे कि डोसेस, डोसेस के अंदर वो चिल्ड्रन के लिए है या एल्डरली के लिए है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आईवी लेना है, आईएम लेना है या ओरल लेना है, मेजर एडवर्स इफेक्ट अगर कोई है तो वो भी वहां पर लिखे हुए होने चाहिए कि अगर आप लोगे और आपको अगर ये वाला एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो आप इसको लेना बंद कर दीजिए, ऐसे लिखा होता है ना बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट है ओवरडोसेस इंफॉर्मेशन, की अगर ओवरडोसेस हो गया तो क्या क्या हो सकता है, ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, जैसे कि हमें किन किन चीज़ों के साथ इसको नहीं लेना है, वार्निंग, प्रिकॉशन और ड्रग इंडिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसको यूज़ करना है या नहीं करना है, प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में, तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए। एक्सपायरी डेट क्या है प्रोडक्ट की, वो इंक्लूड होना चाहिए। लॉट नंबर, होल्डर ऑफ मार्केट ऑथराइजेशन, मतलब किसने ये प्रोडक्ट बनाया है उसका नाम भी होना चाहिए। जैसे आप देखते हो ना सिप्ला वाले सिप्ला का अपना नाम लिखते हैं नीचे कि मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय सिप्ला, वैसे लिखते हैं ना, तो वो होता है होल्डर ऑफ मार्केटिंग ऑथराइजेशन। WHO गाइडलाइन फिनिश हो गई है, नेक्स्ट आता है ICH गाइडलाइन फॉर असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं ICH का इंट्रोडक्शन है क्या। तो ICH जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डेवलप करी है गाइडलाइन असेसमेंट ऑफ क्वालिटी चेक ऑफ हर्बल ड्रग्स। जो ICH है उसने सारे प्रोडक्ट के लिए गाइडलाइंस बनाई हैं, चाहे वो हर्बल प्रोडक्ट हो, चाहे वो एलोपैथिक प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो इसने हर्बल ड्रग के लिए भी गाइडलाइंस बनाई हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ICH गाइडलाइन के, तो ICH गाइडलाइंस जो हैं वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि ज़्यादा इकोनॉमिकल यूज़ हो सके ह्यूमन का, एनिमल का और मटेरियल रिसोर्सेज का। सेकेंड है एलिमिनेशन हो सके अननेसेसरी डिले इन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मेडिसिन। तो बेसिकली जो ICH गाइडलाइन है ना उसको, अगर हमारे पास में ICH का रजिस्ट्रेशन है
उसके जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है हमने उनको अगर फुलफिल किया है तो हम कहीं भी अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करा के कहीं भी उसको बेच सकते हैं। तो जैसे सपोज करो कोई प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर बनता है और अगर हमने ICH का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ICH के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है, अगर हम इसको किसी भी कंट्री में बेचना चाहें ना तो हम इसको सारी कंट्री में बेच सकते हैं। तो यहाँ पे ये जितनी भी कंट्री हैं इनके अंदर हमारे प्रोडक्ट की कमी नहीं पड़ेगी ना। नेक्स्ट है कि मेंटेन करने के लिए सेफगार्ड क्वालिटी सेफ्टी और एफिकेसी पर, क्योंकि इसने गाइडलाइन दी हुई है कि आपको क्वालिटी कैसी रखनी है, सेफ्टी कैसी रखनी है और एफिकेसी की स्टडी कैसी कैसी करनी है, और उन सारी के सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद ही ICH रजिस्टर करता है आपके ड्रग को। तो इसीलिए ये सेफगार्ड मेंटेन करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ICH गाइडलाइन है उसने असेसमेंट के लिए या हर्बल ड्रग के असेसमेंट के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन दी है। तो ICH गाइडलाइन जो है वो 4 क्राइटेरिया के साथ में डील करता है, QSEM के साथ, मतलब क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी के साथ। क्वालिटी जो होती है यहाँ पर हमें क्या क्या करना होता है, तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी होती है और इम्प्योरिटी टेस्टिंग करनी होती है। सेफ्टी के अंदर हमें क्या करना होता है, कार्सिनोजेनिसिटी टेस्टिंग और जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी करनी होती है, और यहाँ पर हमें इनविवो और इनविट्रो प्री क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू ये वाली स्टडियों का पता लगाते हैं। एफिकेसी के अंदर हमें क्या करना होता है, तो एफिकेसी के अंदर हमें क्लिनिकल स्टडी करनी होती है और यहाँ पे हमें डोज रिस्पॉन्स स्टडी और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस ये दोनों करने पड़ते हैं। जो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है वो हम मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर वो वाले सारे टॉपिक आते हैं जो इन तीनों के अंदर नहीं आते हैं, अलग से होते हैं, उन सबको हम मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर डाल देते हैं, जैसे MAT-DRA, S3, M3, CDT एंड M5। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वालिटी गाइडलाइन कौन कौन सी दी हुई है ICH ने। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको ना याद करने के लिए थोड़ा सा ये वो रहेगा, मतलब टफ रहेगा, तो इसलिए ना आपको थोड़ा याद करवाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगा के इसको बनाया हुआ है। जैसे अगर यहाँ पर आप ये वाले तीन कलर को देखोगे तो इनमें सिमिलरिटी मिलेगी आपको, ये सारे के सारे Q1 के ही हैं। अब आपको ये याद रखना है Q1A, Q1C और Q1F में क्या क्या था, है ना। तो देखो यहाँ पर A हो चाहे C हो चाहे F हो, सबके अंदर हमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है ना। यहाँ पर भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग है और यहाँ पर भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, ठीक है। स्टेबिलिटी डेटा पैकेज है, खैर यहाँ पर स्टेबिलिटी तो है ना स्टार्टिंग में, तो आपको ऐसे करके इनको याद रखना है, A, C और F तीनों में स्टार्टिंग में स्टेबिलिटी है, इन दोनों में तो खैर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू, यहाँ तक ये दोनों सेम ही है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू, जो F वाला है उसमें स्टेबिलिटी ही है स्टार्टिंग में, आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद में A और C के अंदर आपको क्या याद रखना है, A के अंदर है न्यू ड्रग और न्यू प्रोडक्ट के बारे में और C के अंदर है न्यू डोसेस फॉर्म के बारे में। इधर आप F में देखोगे तो F में स्टेबिलिटी डेटा पैकेज अगर रजिस्ट्रेशन कराना है क्लाइमेटिक जोन 3rd और 4th में, 3rd और 4th कौन से होते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई, ये होते हैं 3rd और 4th। तो अगर आपको यहाँ भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 3 और 9, ये दोनों ही नंबर्स थोड़े वैसे होते हैं ना जिनको हम अपशगुन नंबर भी मानते हैं, तो 3 और 9 के अंदर आपको वैसी ही चीज़ें याद रखनी है, जैसे 3 के अंदर है इम्प्योरिटी और 9 के अंदर है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो जैसे आपको पता है 3 और 9 दोनों ही नंबर थोड़े वैसे होते हैं, तो इनके अंदर थोड़ी गंदी वाली चीज़ें ही हैं, जैसे इम्प्योरिटी इन न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद में आपको याद रखना है 4, 8 और 10 में क्या था, तो 4, 8, 10 तीनों में ही फार्मा से रिलेटेड है, जैसे 4th में है फार्माकोपिया, 8th में है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट और 10th में है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। उसके बाद में ये बीच बीच वाले बच जाते हैं, तो ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इनमें कोई ट्रिक है नहीं ऐसे याद करने के लिए। तो जैसे Q1A का आपको पता चली गया स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग एंड प्रोडक्ट, B के अंदर आता है फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग, C के अंदर आपको पता था यहाँ पर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोसेस फॉर्म कर देना है बस ड्रग एंड प्रोडक्ट की जगह। D जो होता है इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, D को B बना लेना, ये D जो है इसको B बना लेना, B के अंदर क्या आएगा, B से होता है ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट, यहाँ पर ये ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट ऐसे लिखना है बस, आगे का ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइन लिखना है बस। E से इवेल्युएशन आता है, तो E से तो आपको इवेल्युएशन याद ही हो जाएगा,
तो बी से याद रख लेना फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग, डी को बी बना लेना और इससे याद रख लेना ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिक डिजाइन, ई से याद रख लेना इवेल्युएशन, एफ वाला आपको याद हो ही गया था पहले कि स्टेबिलिटी आएगा इसके अंदर, स्टेबिलिटी डेटा पैकेज अगर क्लाइमेटिक जोन थर्ड और फोर्थ में हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना है तो। अब पढ़ते हैं सेकंड में क्या आएगा Q2 के अंदर, तो Q2 के अंदर आता है डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी एनालिटिकल वैलिडेशन की। उसके बाद में थर्ड वाला आपने पढ़ ही लिया था, थर्ड और नाइन के अंदर थोड़ी वैसी वाली चीजें आएंगी, तो इसके थर्ड के अंदर था इम्प्योरिटी इन न्यू ड्रग सब्सटेंस, फोर के एट के और टेन के अंदर तीनों के अंदर फार्मा वाली चीजें ऐड हो रही थी, तो फोर के अंदर फार्माकोपिया था, फाइव के अंदर वायरल सेफ्टी इवेल्युएशन होता है, सिक्स के अंदर स्पेसिफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर एक्सेप्टेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नए ड्रग सब्सटेंस के लिए और नए ड्रग प्रोडक्ट के लिए, सेवन के अंदर जीएमपी होता है, एट वाला आपने पढ़ लिया फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, नाइन वाला आपने पढ़ लिया क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट और टेन वाला आपने पढ़ लिया फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। तो इस तरह से याद करोगे तो हो जाएगा याद, और ये जरूर याद कर लेना क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल अश्योरेंस में भी है तो उसमें भी काम आएगा ये। नेक्स्ट है सेफ्टी गाइडलाइन, तो सेफ्टी गाइडलाइन में जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो वैसे यहाँ पे भी बहुत सारी होती हैं, जैसे S1 A, S1 B, S2 A, S2 B वैसे करके बहुत सारी होती हैं, पर जो मेन है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इतनी तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। जो S1 होता है उसके अंदर जो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो दी गई हैं, S2 के अंदर जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी के लिए गाइडलाइन दी गई हैं, तो जैसे आपको सेफ्टी से ही समझ आ रहा होगा, वहाँ आपने ऊपर पढ़ लिया था कि सेफ्टी के अंदर हमें कार्सिनोजेनिसिटी और जीनोटॉक्सिसिटी ये दो स्टडी करनी होती हैं, तो फर्स्ट में लिख देना कार्सिनोजेनिसिटी, सेकेंड में लिख लेना जीनोटॉक्सिसिटी। S3 के अंदर आता है गाइडेंस जो होती है टॉक्सिकोकाइनेटिक के ऊपर, मतलब एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इन सब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है आपके ड्रग का, उनको क्या टॉक्सिसिटी होती है इन सब चीजों की वजह से। 4 के अंदर आता है ड्यूरेशन क्रोनिक टॉक्सिसिटी टेस्टिंग का एनिमल के ऊपर, जैसे रोडेंट या नॉन रोडेंट टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी होती है यहाँ पर। S5 के अंदर आता है डिटेक्शन टॉक्सिसिटी का अगर मेल फर्टिलिटी के ऊपर कोई पड़ता है टॉक्सिसिटी तो। S6 के अंदर आता है प्री क्लिनिकल सेफ्टी इवेल्युएशन बायोटेक्नोलॉजी डराइव्ड फार्मास्यूटिकल का, जैसे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वगैरह से बनाते हैं, जैसे इंसुलिन भी बना है तो हमें उसका भी प्री क्लिनिकल सेफ्टी इवेल्युएशन देना पड़ता है। S7 के अंदर आता है सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी ह्यूमन फार्मास्यूटिकल्स के लिए। S8 के अंदर आता है इम्यूनोटॉक्सिसिटी स्टडी और S9 के अंदर आता है नॉन क्लिनिकल इवेल्युएशन एंटी कैंसर फार्मास्यूटिकल के लिए। तो देखो यहाँ पर भी आप S9 देखोगे ना तो S9 के अंदर क्या है, देखो एंटी कैंसर, कैंसर के अगेंस्ट में जो काम कर रही हैं ड्रग्स, तो कैंसर भी तो कितनी बुरी बात है ना, तो यहाँ आप देखोगे मोस्टली तो ये वाले नंबर्स में ऐसी ही चीज़ें आती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे एफिकेसी गाइडलाइन कौन कौन सी हैं, तो एफिकेसी भी E10 तक हैं, जिसमें E1 जो होता है उसमें हमें पॉपुलेशन का एक्सटेंट बताना होता है जहां पर क्लिनिकल सेफ्टी के थ्रू या क्लिनिकल डेटा के थ्रू एक्सपोजर कराया है हमने अपने ड्रग का। E2 के अंदर आता है क्लिनिकल सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट, E3 के अंदर आता है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, E4 के अंदर आता है डोज रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट ड्रग रजिस्ट्रेशन, E5 के अंदर आता है एथनिक फैक्टर इन एक्सेप्टेबल ऑफ फॉरेन क्लिनिकल डाटा, E6 के अंदर आता है गाइडलाइन फॉर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, E7 के अंदर आता है स्टडीज इन सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन जैसे जेरियाट्रिक, E8 के अंदर आता है जनरल कंसिडरेशंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, E9 के अंदर आता है स्टेटिस्टिकल प्रिंसिपल फॉर क्लिनिकल डाटा और E10 के अंदर आता है चॉइस ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड रिलेटेड इशू इन क्लिनिकल ट्रायल। उसके बाद में आता है लास्ट मल्टीडिसिप्लिनरी गाइडलाइन, मल्टीडिसिप्लिनरी गाइडलाइन के अंदर भी 5 गाइडलाइंस हैं, जिसमें से M1 का होता है MED-DRA जिसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया गया है, और M2 के अंदर आता है S3, S3 का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ऑफ रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, M3 के अंदर आता है नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडी फॉर कंडक्ट ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल एंड मार्केटिंग ऑथराइजेशन, और M4 के अंदर क्या आता है CTD मतलब कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, M5 के अंदर आता है DASDD मतलब डेटा एलिमेंट एंड स्टैंडर्ड फॉर ड्रग डिक्शनरीज।
इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेबिलिटी स्टडीज ऑफ हर्बल ड्रग्स। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्टेबिलिटी स्टडी करते हो ना एलोपैथिक ड्रग की, उसकी एक्सपायरी डेट निकालने के लिए, वैसे ही हमें हर्बल ड्रग की भी करनी होती है उसकी एक्सपायरी डेट निकालने के लिए। तो पहले पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सुवीर्यता, अवधि का मतलब क्या होता है, शेल्फ लाइफ, मतलब एक्सपायरी कितने टाइम की है, उसको हम बोलते हैं सुवीर्यता अवधि हर्बल ड्रग्स के लिए। ये डिनोट करती है टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में ड्रग की पोटेंसी, मतलब उसका वीर्य, हिंदी में अगर बोलें तो, वो अनअफेक्टेड रहता है, मतलब उसकी पोटेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता जिस टाइम पीरियड में, उसको ही हम बोलते हैं उसकी शेल्फ लाइफ, अगर हमने उसको स्टोर करा है मेंशनड कंडीशन में। तो देखेंगे स्टेबिलिटी क्या होता है। तो स्टेबिलिटी कोई भी प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर कंटेनर या क्लोजर के अंदर जब हम उसको रखते हैं और वो अपनी फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, थेरापूटिक स्पेसिफिकेशंस के अंदर ही रहती है, उसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है या ये ड्रग इतना स्टेबल है। अब नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग के, या मेथड कौन कौन से होते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग के। स्टेबिलिटी टेस्टिंग के जो मेथड है उनको 5 में डिवाइड करा गया है। जैसे एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी, तो उसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी है उसको एक्सीलरेट करके स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे। रियल टाइम में क्या होगा, जो रियल चीज़ें हैं, जितना भी टेम्परेचर है, जितना भी ह्यूमिडिटी है, हम उसी ह्यूमिडिटी और उसी टेम्परेचर पे ही जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी टेस्टिंग, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रखनी है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस स्टेबिलिटी टेस्टिंग, तो इसमें हमें जो ड्रग है उसके अंदर प्रोडक्ट है, हमें उसके टेम्परेचर को, उसके ह्यूमिडिटी को, उसके अंदर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, उसके अंदर ऑक्सीडेशन करा के देखेंगे कि ड्रग कितना स्टेबल रहता है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने के बाद। और नेक्स्ट आता है फोर्स्ड डिग्रेडेशन स्टेबिलिटी टेस्टिंग, तो इसमें हम फोर्स कराते हैं डिग्रेडेशन ड्रग का, जो इंटरनल मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में हम देखते हैं कि ये कितनी जल्दी डिग्रेड हो सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी के अंदर जो फर्स्ट था एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग उसके बारे में। तो यहाँ पर हम जैसे नाम से समझ आ रहा है, एक्सीलरेटेड मतलब हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी और हाई लाइट इंटेंसिटी पर हम अपने ड्रग प्रोडक्ट को रख के देखते हैं और देखते हैं कि प्रेडिक्ट करते हैं उसका शेल्फ लाइफ कितना होगा। जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है आरिनियस इक्वेशन पे, और आरिनियस इक्वेशन जो है वो हमें बताती है कि जो स्टोरेज टेम्परेचर है और जो डिटीरियोरेशन रेट है उसके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डिटीरियोरेशन रेट बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा उनके बीच का रिलेशनशिप। जैसे ये जो है इक्वेशन, ये आप याद रख लेना, ये आपको लिख के आनी है। उसके बाद में यहाँ पर ये K1 K2 का मतलब होता है रेट कॉन्स्टेंट रिस्पेक्टिव टेम्परेचर T1 और T2 पे, EA का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और R का मतलब होता है गैस कॉन्स्टेंट। अब ये जो एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी हैं ये यूज़ होती हैं उन प्रोडक्ट के लिए जिनका लॉन्गर शेल्फ लाइफ होता है। जैसे कोई ड्रग है अगर उसका 12 साल 15 साल शेल्फ लाइफ है, तो हम 12 साल 15 साल थोड़े ना उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करवाते रहेंगे, उतना टाइम थोड़ी होता है। तो हमें क्या करना है, उसकी एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी करानी है और उसी से ही हमें पता चल जाएगा। जैसे कोई भी ड्रग अगर 3 साल में ख़राब हो रहा है एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग से, तो हमें ये पता चल जाएगा चलो एक्सीलरेटेड से 3 साल में ख़राब हो रहा है तो कम से कम 12 साल तो होगी ही इसकी रियल टाइम में स्टेबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे रियल टाइम या लॉन्ग टर्म टेस्टिंग, तो ये करी जाती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और ये अलाउ करती है सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन का प्रोडक्ट के अंडर स्पेसिफाइड स्टोरेज कंडीशन। जैसे हम यहाँ पर कोई टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करते, कोई ह्यूमिडिटी को इंक्रीज नहीं करते, कुछ नहीं करते, जो भी रियल चीज़ें होती हैं वहाँ पर ही अपने ड्रग का स्टेबिलिटी टेस्टिंग कराते हैं। थर्ड होता है इंटरमीडिएट टेस्टिंग, तो जो इंटरमीडिएट टेस्टिंग है वो हम जो हमने ऊपर पढ़ी थी एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी और रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडी, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर लेते हैं और बीच का टेम्परेचर लेके उसके ऊपर स्टेबिलिटी स्टडी कराते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस टेस्टिंग, तो स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर हमें क्या करना है, ड्रग को स्ट्रेस प्रोवाइड करना है ताकि वो डिग्रेड हो और फिर देखेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। जैसे यहाँ पर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो हमने एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी में यूज़ करा था उससे भी ऊपर वाला टेम्परेचर यूज़ करते हैं। ह्यूमिडिटी जो हमने एक्सीलरेटेड स्टडी में यूज
यूज़ करी थी उससे भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे 75% से भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन करा के देखते हैं, फोटोलाइसिस करा के देखते हैं और हाइड्रोलिसिस करा के देखते हैं अपने प्रोडक्ट का, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। लास्ट आता है फोर्स्ड डिग्रेडेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर हमारा जो भी प्रोडक्ट है हमें उसकी इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी असेसमेंट करनी होती है कि जो भी हमारा ड्रग का फॉर्मूला है, जो भी उसका केमिकल नेचर है, वो अपना इंटरनली कैसे कितने दिन में खराब हो सकती है, वो हमें चेक करना होता है यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो ICH है उसने क्लाइमेटिक जोन दिए गए हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए कि आपको अगर ये वाले जोन में अपने ड्रग को मार्केट कराना है तो आपको कितने कितने टेम्परेचर पे कराना होगा उसका स्टेबिलिटी स्टडी, अगर आपको ये वाले रीजन में अपने ड्रग को बेचना है तो ये वाले टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे आपको स्टेबिलिटी टेस्टिंग करानी होगी। वैसे ही इसने जो पूरा वर्ल्ड है उसको बेसिक 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, जो फोर्थ जोन है उसको 2 में डिवाइड किया हुआ है, इसीलिए ये 5 हो जाते हैं, पर बेसिक 4 ही बोलते हैं हम उसको। 4 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट क्लाइमेटिक जोन के अंदर टेम्परेट रीजन आते हैं, सेकंड के अंदर सब ट्रॉपिकल और मेडिटेरियन रीजन आते हैं, थर्ड के अंदर हॉट एंड ड्राई रीजन आते हैं, फोर्थ ए और फोर्थ बी, इन ये फोर्थ को ही डिवाइड करा गया है। तो फोर्थ के अंदर आता है हॉट एंड ह्यूमिड और फोर्थ बी के अंदर आता है हॉट एंड वेरी ह्यूमिड। इनके अंदर के जो भी इनके अंदर कंट्रीज हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर आपको ये नहीं भी याद करना है तो आप ये वाला पार्ट छोड़ देना, इम्पोर्टेंट होते हैं ये और ये 3 होते हैं इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब लॉन्ग टर्म कंडीशंस जो होती हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, तो देखो जैसे टेम्परेट रीजन है तो वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम होगी और यहाँ पर टेम्परेचर भी कम होगा, तो आपको याद रखना है बस कम होगा यहाँ पर मतलब 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो सब ट्रॉपिकल और मेडिटेरियन है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया होगा और थोड़ी सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई होगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर देखोगे 25 डिग्री है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% हो गई है। फिर नेक्स्ट देखोगे आप हॉट एंड ड्राई, तो हॉट है मतलब यहाँ पर टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा लेकिन ड्राई है, ड्राई का मतलब यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा ना तभी तो ड्राई होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। तो जैसे यहाँ पर टेम्परेचर तो 30 है लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है, 35 है, तभी तो ड्राई होगी ये वाली जगहें। नेक्स्ट है हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि ह्यूमिड है ये, तो यहाँ पर क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। नेक्स्ट है एंड वेरी ह्यूमिड, तो मतलब यहाँ पर हॉटनेस भी होगी, यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और वेरी ह्यूमिड, वेरी ह्यूमिड का मतलब यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 75% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये पेटेंट के बारे में पूछा गया था और टाइप्स ऑफ पेटेंट के बारे में, तो सबसे पहले देख लेते हैं पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जो ग्रांट करा जाता है जो भी इन्वेंशन होता है उसको, जो भी इस इन्वेंशन को करता है उस पर्सन को, और ये पर्सन को क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि वो ही यूज करे उसको, कोई और पर्सन ना यूज करे। जैसे आपने अगर कोई भी नई चीज बनाई है और उसको कॉपी करके और लोगों ने भी उसी सेम चीज को बना लिया तो आपको क्या फायदा हुआ आपकी मेहनत का ना, तो इसलिए पेटेंट दिया जाता है जब भी कोई भी इन्वेंटर कोई भी नई चीज करता है। तो जैसे नया कोई टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला है प्रॉब्लम का या उसने कुछ कोई भी नई चीज करी है, जो पेटेंट होता है वो पेटेंट ओनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उनके इन्वेंशन के लिए। प्रोटेक्शन जो है वो बेसिकली 20 इयर्स के लिए प्रदान करी जाती है लेकिन ये 20 इयर्स को कभी कभी बढ़वा भी लेते हैं लोग। नेक्स्ट है कि जो पेटेंट है वो प्रोवाइड करता है इंसेंटिव इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करके उनकी क्रिएटिविटी को, कि ये बंदे ने कोई क्रिएटिविटी करके कोई नया प्रोडक्ट बनाया है तो मतलब हमें इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कौन कौन से ऐसे इन्वेंशंस हो सकते हैं जिनको पेटेंट मिल सकता है। तो कोई भी इन्वेंशन अगर हमें उसको पेटेंट कराना है तो उसके 3-4 पैरामीटर होते हैं, हमें उसको फुलफिल करना होता है। जैसे जो भी हमारा इन्वेंशन है उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ होना चाहिए, अगर उसका यूज़ ही नहीं होगा तो हमें कोई भी चीज़ बना के फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले तो उसका प्रैक्टिकल यूज़ होना चाहिए, सेकेंड होता है वो नोवल होना चाहिए। नोवल होने का मतलब क्या है, अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो उसको, आपने कोई नई चीज़ बनाई हो।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो इन्वेंशन है उसमें कोई ना कोई इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। मतलब जैसे प्लांट है, प्लांट के अंदर केमिकल बन ही रहे हैं, अगर आपने पता लगा लिया उनका बायोसिंथेटिक पाथवे क्या है और आप दे दो उनको कि देखो हमने इसका पता लगाया, तो आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आपका कोई इन्वेंटिव स्टेप थोड़ा ही है उसमें, तो आपका भी कोई इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए उसके अंदर, तब आपको पेटेंट मिलेगा। जैसे प्लांट के अंदर अगर कोई भी केमिकल बन रहे हैं उसके लिए आपको नहीं मिल सकता पेटेंट, लेकिन उन केमिकल को अगर आपने आइसोलेट कर लिया है किसी मेथड से तो उसके आइसोलेशन मेथड के लिए आपको मिल सकता है पेटेंट। नेक्स्ट है साइंटिफिक थ्योरीज, मैथमेटिकल मेथड या प्लांट या फिर एनिमल वैरायटी, या अगर कोई भी नेचुरल सब्सटेंस का डिस्कवरी करते हैं हम, जैसे मैं अभी बता रही थी, या फिर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो पेटेंटेबल नहीं होते। अगर आपने किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का भी पता लगाया तो आप उसका भी पेटेंट नहीं करा सकते, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट का पता लगाया है तो वो एक उसमें आ जाता है ना कि सारे लोगों को उसको यूज करना ही चाहिए। अगर आपने किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में पता लगाया तो आप उसका पेटेंट नहीं करा सकते कि मैं ही करूंगा ये और कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ पेटेंट कौन कौन से होते हैं। तो पेटेंट जो होते हैं उसको चार बेसिक टाइप में डिवाइड करा गया है, यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट, प्लांट पेटेंट एंड कंप्लीट पेटेंट। जो यूटिलिटी पेटेंट होता है यही सबसे ज्यादा पेटेंट करवाते हैं लोग। ये यूटिलिटी पेटेंट को भी चार पार्ट में डिवाइड करा गया है कि आपने कोई नया प्रोसेस बनाया है या ने कोई नई चीज, नई कॉम्पोजिशन बनाई है। जैसे जितने भी मिरिंडा हो गया या कोका कोला हो गया या पेप्सी हो गया, ये सारे के सारे कंपोजिशंस ही तो हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि आप कल मिरिंडा बना के बेचने लगोगे, ऐसा नहीं होगा ना। मिरिंडा वाले ने उसका पेटेंट करा रखा है, तो ये होता है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरर्स, तो आपने अगर कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करी है उसका भी पेटेंट करवा सकते हो। और नेक्स्ट आता है अगर आपने कोई भी नई टाइप की मशीन बनाई है उसका भी आप पेटेंट करवा सकते हो। तो टाइप थे चार, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट था यूटिलिटी पेटेंट। जो यूटिलिटी पेटेंट होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का पेटेंट होता है और इसकी एप्लीकेशंस भी सबसे ज्यादा होती हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा यही ही कराया जाता है। इसके अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे प्रोसेस हो गया, मशीन्स हो गए, कंपोजिशन हो गया या मैन्युफैक्चर हो गया, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। जो यूटिलिटी पेटेंट होता है इसके सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हो गया, क्या हो गया कि आपने कोई भी मेथड या फिर कोई भी एक्ट जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी टेक्निकल या इंडस्ट्रियल प्रोसेस बना सकते हो, तो वो आता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, तो आपने कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन बनाई है, नहीं कैसे बनाई है, मिक्सचर्स या इंग्रेडिएंट को ऐड करके उनका मिक्सचर बना के। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरर्स, तो मैन्युफैक्चरर्स के अंदर क्या आते हैं, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाई है आपने नई, जिसके थ्रू कोई भी एक प्रोडक्ट बन जाता है, तो आप उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी पेटेंट करवा सकते हो। और नेक्स्ट आता है मशीन, आपने अगर कोई भी टाइप की मशीन बनाई है नई, जैसे आपने कोई नया एक कंप्यूटर बनाया है, रेफ्रिजरेटर बनाया, एयर कंडीशनर बनाया है, आप उसका भी पेटेंट करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है, ये यूटिलिटी पेटेंट फिनिश हो गया है। नेक्स्ट आता है डिजाइन पेटेंट, तो डिजाइन पेटेंट में क्या आता है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने बनाया है तो आप उसको डिजाइन पेटेंट के अंदर पेटेंट करवा सकते हो। नेक्स्ट डिजाइन पेटेंट होता है, इसमें सारी की सारी डिटेल्स इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे उसका शेप क्या है, कॉन्फिगुरेशन जो है ऑब्जेक्ट का वो कैसा है, वो सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। थर्ड आता है प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट मतलब प्लांट, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये वो वाला प्लांट है, वो वाला प्लांट मत समझ लेना कि कोई भी इंडस्ट्री वगैरह बनाते हैं तो उसका जो प्लांट होता है, ये प्लांट वाला प्लांट है, ठीक है। तो ये पर हम उन प्लांट का पेटेंट करा सकते हैं जो हमने बनाए हैं, जैसे हम कैसे बना सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाए हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए हैं, हम उन वाले प्लांट का पेटेंट करवा लेते हैं। जो नेचुरल प्लांट होते हैं उनका पेटेंट नहीं करवा सकते हैं, पर जो हमने बनाए हैं उनका पेटेंट करवा सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई भी नया और डिस्टिंक्टिव प्लांट बनाया है जो ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सुना है, उसका हम पेटेंट करवा सकते हैं। ये जो डिस्कवरी है वो फिट होनी चाहिए रिक्वायरमेंट के अंदर, जो कि पहले अप्लाई ना करा गया हो किसी के भी द्वारा कोई भी। और ये जो प्लांट पेटेंट होता है इसको अप्लाई करने के लिए हमें दो चार चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे वो ट्यूबर प्रोपोगेटेड प्लांट नहीं होना चाहिए और ये अपीयर होना चाहिए अनकल्टिवेटेड, मतलब इसका कल्टिवेशन अभी नहीं स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए चार जगह पे कल्टिवेट हो रहा है और आप उसको
पहुंच गए कि है ना मेरे को इसका पेटेंट कराना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। और जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस होना चाहिए असेक्सुअली, तभी आप उसका पेटेंट करवा सकते हो। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मैंडेटरी होता है प्लांट पेटेंट के लिए, मतलब उसका रिप्रोडक्शन असेक्सुअली ही होना चाहिए, सेक्सुअली नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सेक्सुअली होगा तो मतलब आपको दूसरे प्लांट के साथ में फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा, और ये वाला प्लांट तो नेचुरल होगा ना, तो आपने जो भी नया प्लांट बनाया उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कंप्लीट पेटेंट पर। ये जो आपने तीनों ऊपर पेटेंट पड़े हैं, अगर आपके पास में ये तीनों डिस्कवरी हैं तो आप कंप्लीट पेटेंट के अंदर उसका पेटेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस क्या होता है अगर आपको पेटेंट चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमने नई डिस्कवरी करी है उसको उसके डॉक्यूमेंट लेके हमें नेशनल पेटेंट ऑफिस जाना पड़ता है। जैसे अपने इंडिया का है ना आईपीओ, इंडियन पेटेंट ऑफिस, तो हमें वहाँ पर जैसे यहाँ दिया भी हुआ है ये आईपीओ, हमें आईपीओ जाना पड़ेगा अगर हम इंडिया के हैं तो। अगर हम यूरोप में भी चाहते हैं कि हम यूरोप में भी अपने पेटेंट को बेचना है तो वहाँ पर आप ईपीओ के अंदर भी अपने पेटेंट करवा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको अफ्रीका के अंदर भी अपने पेटेंट को बेचना है तो आप अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने पेटेंट डिस्कवरी को पेटेंट करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है, ये होता है वीपो। वीपो का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो अगर आपने वीपो के अंदर अपने प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करा लिया है, तो आप उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच सकते हो या यूज कर सकते हो। अगर आपको पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को बचाना है लोगों से तो आप वीपो के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे पेटेंट केस स्टडी नीम की और करक्यूमा की इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे हम केस स्टडी नीम की इंडिया के अंदर। जैसे नीम था उसको क्या करा था, नीम को हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं हमारे आयुर्वेद के अंदर, उसके उसकी जो यूज़ है उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है। लेकिन जो यूएस के लोग होते हैं वो आपने देखा ही होगा, थोड़े चालू लोग होते हैं, तो उन्होंने क्या करा, नीम और करक्यूमा दोनों का पेटेंट करा लिया। तो अभी इंडिया के लोग तो यूज़ नहीं कर सकते ना उसको, क्योंकि वहाँ के लोगों ने पेटेंट करवा लिया। तो जो नीम और करक्यूमा था इनके पेटेंट का रिजेक्शन करवाया था इंडिया ने कि ये हमारा, अगर पेटेंट देना ही है तो हमें दो, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा के अंदर इनके बारे में कब से दिया हुआ है, आपने तो अभी स्टडी करी है ना। तो ये वाली केस स्टडी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो नीम का ट्री जो है वो नेटिव एवरग्रीन स्पीशीज है, मतलब हमारे पूरे इंडिया में मिलता है, ये अपने इंडिया का ही प्लांट है। नीम जो है उसको विलेज फार्मेसी बोलते हैं आयुर्वेदा के अंदर। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, हीलिंग मतलब वुंड वुंड हो जाता है तो उसको हील कर सकता है, जिसको हम मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। और आयुर्वेदा जो है उसने बहुत टाइम पहले ही, मतलब 4000 साल पहले ही नीम की इस प्रॉपर्टी के बारे में उसने रिसर्च कर ली थी। तो मतलब ये हमारे इंडिया के अंदर इसकी रिसर्च ऑलरेडी बहुत टाइम पहले हो गई थी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पेटेंट के स्टडी जो है नीम की वो है क्या। तो ये जो स्टडी है उसको भी दो तीन पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई नीम के पेटेंट में। तो 1971 में एक टिम्बर इम्पोर्टर था, और ये कहाँ का था, यूएस का था, मतलब अमेरिका का था, और इसने इम्पोर्ट करे थे हमारे यहाँ से नीम के सीड को ये ले गया और वहाँ जाके इसने नीम के प्लांट लगा लिए अपने यहाँ पर, विस्कॉन्सिन था एक जगह वहाँ पर। फिर इसने क्या करा, इसने बहुत सारी स्टडी करी नीम की पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी के ऊपर, और इसने पता लगा लिया कि नीम जो होता है उसके अंदर बहुत अच्छी पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती हैं। अब इसने क्या करा, जो यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ना, इस एजेंसी से इसने नीम की पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी के ऊपर पेटेंट करवा लिया। मतलब अब नीम के जितने भी पेस्टिसाइडल फॉर्मुलेशन आएंगे उनको केवल ये आदमी ही बना सकता था, और कोई नहीं बना सकता था, इवन इंडिया भी नहीं बना सकता था। इसके 3 साल के बाद क्या हुआ, ये जो टिम्बर इम्पोर्टर था इसने अपने पेटेंट को बेच दिया एक कंपनी को। उस कंपनी का नाम क्या था, WR ग्रेस एंड कंपनी। इस कंपनी को इसने बेच दिया ये जो। इसके बाद 1985 में बहुत सारे यूएस के और जैपनीज कॉरपोरेशन चाह रही थी कि हम भी नीम से टूथपेस्ट बनाएं या फिर इमल्शन बनाएं।
तो अभी तो क्योंकि यहाँ पर है ना पेटेंट WR ग्रेसन कंपनी के पास, तो वो लोग तो नहीं बनाने देंगे क्योंकि वो लोग बोल देंगे इसका पेटेंट हमारे पास है, सिर्फ हम ही बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, 1992 में जो WR ग्रेसन कंपनी है उसने राइट क्लेम कर दिया कि जो पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी है इमल्शन, जो पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी है नीम के इमल्शन की, उसका हमने ऑलरेडी पेटेंट करा रखा है, तो ना तो उसको US की कोई और कंपनी बना सकती है, ना ही जापान की कोई भी कॉरपोरेशन बना सकती है। और यहाँ से स्टार्ट हुआ कि जो इंडियन कंपनी थी वो भी बनाना चाह रही थी इमल्शन, लेकिन अभी वो भी नहीं बना सकती, तो यहाँ से अभी क्या स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा डिस्प्यूट। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्प्यूट कैसे स्टार्ट हुआ, तो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ कि जो इंडिया के लोग थे, इंडिया के लोगों ने ये क्लेम किया कि नीम जो है वो इंडिजिनस प्रोडक्ट है इंडिया का, मतलब हमारे यहाँ पे नीम का ओरिजिन हुआ है और आप हमें ही नहीं यूज करने दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला कि नीम का पेटेंट अगर ग्रांट कर भी दिया आपने तो जो पुअर फार्मर्स हैं वो उनकी भी पैसों को अफेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पुअर फार्मर फिर नीम को यूज ही नहीं कर सकते एज पेस्टिसाइड। अब इसके बाद में क्या हुआ, फिर नीम कैंपेनिंग स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर, बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने या फिर बहुत सारे NGOs थे उन्होंने नीम की कैंपेनिंग स्टार्ट करी, और ये जो कैंपेनिंग थी ये वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंचाई और उनसे उनका सपोर्ट मांगा कि सपोर्ट दो इंडिया को क्योंकि ये इंडिया का प्रोडक्ट है। और जो बायोपायरेसी होती है, बायोपायरेसी मतलब चीज़ों को चुरा लेना, कि ये करा है US ने। इसके बाद जो नीम का केस था उसका जो इनिशिएटिव था उसने चैलेंज करा US और यूरोपियन पेटेंट को बायोपायरेसी के रिगार्ड में, मतलब ये बोला गया कि बायोपायरेसी के खिलाफ है ये। इसके बाद में केस का जजमेंट आया तो July 30, 1997 में जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है उसने एक्सेप्ट करा हमारा आर्ग्यूमेंट, और इसके बाद में उसने रिजेक्ट कर दिया पेटेंट को जो उसने ग्रांट करा था WR ग्रेस एंड कंपनी को। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं केस स्टडी टर्मरिक की इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, टर्मरिक जो है वो एक ट्रॉपिकल हर्ब है इंडिया की, और ये एक कॉस्मेटिक एजेंट की तरह भी यूज़ करी जाती है, और जैसे कि आपको पता ही होगा खाने में भी पड़ती है हल्दी, तो ये डिशेज वगैरह में भी कलरिंग एजेंट की तरह यूज़ करी जाती है। अब पढ़ेंगे पेटेंट केस स्टडी टर्मरिक की, तो इसको भी हमने पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले पेटेंट इशू किसको हुआ, किसने करवाया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1995 में US पेटेंट ने अवार्ड, US पेटेंट ऑफिस ने अवार्ड किया पेटेंट मेडिकल सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को, किसके लिए, टर्मरिक की जो वुल्ड हीलिंग प्रॉपर्टी है उसके लिए। इसके बाद में क्या हुआ, इंडिया को पता चल गया कि एक ऐसे ऐसे करके ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी है, यहाँ पर पेटेंट को अवार्ड कर दिया गया है, तो फिर इंडिया ने क्लेम किया। और इंडिया के अंदर भी एक डॉक्टर RA माशेलकर थे, ये डायरेक्टर थे CSIR के, 1995 से 1998 इन्होंने 3 साल तक अपोज किया इस पेटेंट का जो कि ग्रांट हुआ था ये वाली यूनिवर्सिटी को। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट जो थी इंडियन साइंटिस्ट द्वारा वो थी कैसे। तो क्लेम जो था, हमने जो क्लेम किया था कि जो टर्मरिक है उसको तो हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं एज मेडिसिन, तो उसके लिए हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी थे, जैसे एक ओल्ड न्यूज़पेपर था जो 1953 में प्रिंट हुआ था और ये प्रिंट कराया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, उसमें लिखा हुआ था ऑलरेडी कि हल्दी को यूज़ करते हैं या हल्दी के ऊपर वहाँ पर रिसर्च दी हुई थी। तो हमारे पास ये एक एविडेंस था कि हमारे यहाँ पे, तो देखो पेपर में भी पब्लिश हो चुका है ये 1953 में ही, और आप कैसे 1995 के बाद में इसका पेटेंट ग्रांट कर सकते हो। इसके बाद में जो ओल्ड और एंशियंट टेक्स्ट थे, जैसे हमारी आयुर्वेदा भी थी उसमें भी लिखा हुआ था नीम के बारे में, तो हमारे पास ये 2 एविडेंस थे कि आप इसका पेटेंट नहीं करा सकते, ये हमारी रिसर्च है। इसके बाद में जजमेंट आया 1998 अप्रैल में, और जजमेंट जो था उसने फेवर किया CSIR को और जो डॉक्टर माशेलकर थे उनको, और जो पेटेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया।
अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेगुलेशन जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, आशु ड्रग के। आशु का मतलब क्या होता है? ए से आयुर्वेदा, एस से सिद्धा और यू से यूनानी ड्रग। तो रेगुलेशंस जो हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के शेड्यूल जेड के अंदर दिए गए हैं। जो रेगुलेशन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हर्बल ड्रग के, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो हर्बल ड्रग्स जो होती हैं वो रेगुलेट होती हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 से इंडिया के अंदर। जैसे आपको पता ही है ये जो शेड्यूल जेड है ये भी इसी का ही शेड्यूल है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ही, जहां पर रेगुलेटरी प्रोविजंस दिए गए हैं आयुर्वेदा के लिए, यूनानी के लिए, सिद्धा के लिए और होम्योपैथी के लिए। जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है, आयुष का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसने भी बहुत सारी, ये भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इसने भी बहुत सारे रेगुलेशंस दिए हुए हैं कि आपको ड्रग को मैन्युफैक्चर कैसे करना है, उसको मार्केट कैसे करना है, जितने भी हर्बल ड्रग्स हैं उनको और उनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है आप उनको वहां से कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसने कंट्रोल कर रखा है लाइसेंसिंग के ऊपर, फॉर्मुलेशन कंपोजिशन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, लेबलिंग के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर एंड एक्सपोर्ट के ऊपर। तो आपको अगर ये सारी चीजें करनी है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सारी चीजों के लिए। जो शेड्यूल टी है उसके अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस दी हुई है किस किस की? आशु ड्रग्स की। नेक्स्ट पढ़ेंगे आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स जो होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर जो आशु ड्रग्स होती हैं वो उसके अंदर सारी की सारी ड्रग्स इंक्लूडेड होती हैं जो यूज होती हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए, कोई भी डिसीज के प्रिवेंशन के लिए या फिर कोई भी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ह्यूमंस में या एनिमल्स में। नेक्स्ट है कि जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम आशु ड्रग्स का, वो हमें बुक्स के अकॉर्डिंग करना है। बुक्स कौन कौन सी हैं? आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी वाली जो बुक्स हैं, और ये बुक्स स्पेसिफाई करी गई हैं फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। जो इंडियन सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट में, उसके प्रोविजंस जो हैं उनमें बताया हुआ है कि आप अगर कोई भी हर्बल ड्रग का मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आप स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कौन कौन से ड्रग्स का? आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स का। कि जो आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है उसके अप्रूवल के लिए हमें क्या क्या करना होगा? तो यहाँ पर ये 6 पॉइंट हैं, यहाँ पर आप 6 पॉइंट पढ़ोगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन भी पढ़ना होगा कि इन 6 पॉइंट के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम कोई भी आयुर्वेदा सिद्धा या यूनानी ड्रग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो भी प्लांट है, जो भी जगह है, जो भी प्रिमाइस है, उसका अप्रूवल कराना पड़ता है। उसके लिए जो भी एरिया रिक्वायरमेंट है उनको हमें फुलफिल करना होता है। अभी वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी हो गए तो उसके बाद हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए। ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जैसे अगर हम यूपी के हैं तो हमारी यूपी की लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी, अगर हम एमपी में रहते हैं तो एमपी की लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी, अगर हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी, अगर हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब की लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी। तो मतलब ये स्टेट अथॉरिटी होती हैं या स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती हैं, वहां से हमें अप्रूवल कराना होता है। थर्ड में क्या हो गया, अभी हमारे पास प्लांट या प्रिमाइस जो है उसका अप्रूवल मिल गया हमें, इसके बाद में हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। एप्लीकेशन सबमिट का मतलब क्या है? जो जो चीजें हम बनाना चाहते हैं वो चीजों की लिस्ट बनाकर हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सबमिट करनी होती है। फोर्थ के अंदर हमने सारी की सारी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है ये एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है जो इंस्पेक्ट करने आता है हमारे प्रिमाइस को और हमारी सारी की सारी चीजों को। तो फोर्थ स्टेप में इंस्पेक्शन होता है प्रिमाइस का इंस्पेक्टर के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट में आता है अप्रूवल ऑफ टेक्निकल पर्सन, क्योंकि जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं उसके लिए हमें टेक्निकल पर्सन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तो उसका अप्रूवल हमें कैसे मिलेगा। और सिक्स के अंदर आता है कि कौन कौन सी लेबलिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर हम कोई भी आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी मेडिसिन बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट है अप्रूवल, ये वाला ही फर्स्ट है, ये अभी इनको ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है अप्रूवल ऑफ प्लांट प्रिमाइस, मतलब एरिया रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप एरिया रिक्वायरमेंट याद करोगे ना, तो उसके लिए मैं एक इजी सी चीज बता देती हूँ। जितनी भी चीजों का एरिया हमें चाहिए होगा, हर किसी के लिए हमें 100 square feet चाहिए होगा, बस एक वर्कर रूम को छोड़ के। वर्कर रूम केवल 80 square feet का होगा, बाकी सारे के सारे 100 square feet के होंगे। जैसे ऑफिस 100 square feet का चाहिए, रॉ मटेरियल स्टोर 100 square feet का चाहिए,
इसके बाद में फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टोर 100 स्क्वायर फीट का चाहिए, क्वारंटीन भी 100 का चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल स्टोर 100 का चाहिए, बॉटल वॉशिंग रूम 100 का चाहिए, बॉटल ड्राइंग रूम 100 का चाहिए, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूम 100 का चाहिए, और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी जो है वो भी 100 से 50 की चाहिए, पर आप इसमें भी यहाँ पर 100 ही लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट होता है सबमिशन ऑफ प्लांट ऑफ प्रिमाइस टू एलए फॉर अप्रूवल। यहाँ पे जितने भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें बनवाने के बाद में हम अप्रूवल के लिए जाते हैं कि हमारे पास सारी चीजों का अरेंजमेंट हो गया, अभी हमें अप्रूव कर दीजिए। तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले फॉरवर्डिंग लेटर एड्रेस टू एलए, जहां पे भी आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है उसका एड्रेस सबसे पहले लिखोगे, फिर ओरिजिनल चालान लिखोगे रस 50 का चालान बनवा के उसको लगाओगे डॉक्यूमेंट के अंदर, फिर आप चार कॉपी लगाओगे अपने प्लान की। और ये जो प्लान है मतलब कि हम कैसे कैसे खोलना चाहते हैं, कौन कौन से इसके अंदर प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं और इसको कैसे कैसे आगे और बढ़ाना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें जिसके अंदर आता है। प्लान जो है वो स्क्रूटनाइज करा जाता है प्लान कमेटी के द्वारा और उसका अप्रूवल कराया जाता है। फिर एक पॉइंट के अंदर है कि जो प्रमाइस होता है उसको कंस्ट्रक्ट कराया जाता है अप्रूव्ड प्लान के अकॉर्डिंग, मतलब आपने प्लान को अप्रूव करा लिया ना तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको बनवाओगे, मशीनरी इक्विपमेंट जितनी भी चीज है वो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सारी की सारी चीजें करवानी है। नेक्स्ट आता है आपने वो सारी की सारी चीजें करवा ली, अब आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन फाइल करोगे एलए के लिए, एलए मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक लेटर फॉरवर्ड करते हो जिसमें अपने लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए बोलते हो कि अभी हमें लाइसेंस चाहिए, हमारे पास सारी चीजें आ गई। फिर इसके बाद इसके लिए आप करते क्या क्या हो, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म लेते हो और एप्लीकेशन फॉर्म का नाम क्या होता है 24D, उसको फिल करते हो और उसको साइन करते हो। उसके बाद में फॉर्म जो है फॉर्म का उसको फिल करते हो और उसको साइन करते हो। इसके बाद में एक ओरिजिनल चालान बनवाना होता है जो कि लाइसेंसिंग फीस के लिए होता है, और ये कितना होता है 1000 होता है, और अगर आप GMP सर्टिफिकेशन भी कराना चाहते हो तो 500 एक्स्ट्रा उसके लिए और देने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 1500 का बनवाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ओरिजिनल प्लान जो है प्रमाइस का, उसकी एक कॉपी लगानी पड़ती है। डॉक्यूमेंट जितने भी रिगार्डिंग है पोजेशन ऑफ प्रमाइस के, मतलब वो आपकी ही प्रमाइस होनी चाहिए, उसका भी डॉक्यूमेंट लगाना होता है। डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ये भी आपको लगाना पड़ता है। और नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आप बनवाना चाहते हो उन सब प्रोडक्ट की लिस्ट आपको लगानी होती है। इसके बाद में एक ड्राफ्ट लेवल लगाते हो हर प्रोडक्ट का, जिसकी की 3 कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है लिस्ट जितनी भी है मशीनरी या इक्विपमेंट की, उसका भी एक कॉपी लगाते हो। इसके बाद में लिस्ट जो भी होती है लेबोरेटरी इक्विपमेंट की, उसकी एक कॉपी लगाते हो। इसके बाद में अप्रूव्ड टेक्निकल पर्सन जो है उसकी क्या डिग्री है, उसका क्या एक्सपीरियंस, उसका आपने अपॉइंटमेंट कब किया था, उसका अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, और वो तो अपॉइंटमेंट लेटर तो होना चाहिए आपके पास, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है तो एक्सेप्टेंस लेटर भी होना चाहिए, और इन सब की आपके पास होनी चाहिए 4 कॉपी। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हो, या जो भी रॉ मटेरियल है उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसकी पूरी की पूरे मेथड की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने कौन कौन से अपनाए हैं उनकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। मास्टर फॉर्मूला होना चाहिए हर एक प्रोडक्ट का। और नेक्स्ट आता है कि जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए रेफरेंस बुक की, मतलब आपने किस बुक से रेफरेंस लिया है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आपके पास उसकी भी एक जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए। है कि आपको जो प्रमाइस है उसका इंस्पेक्शन कराना होगा, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो अपना एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है और आपकी प्रमाइस को आकर वो इंस्पेक्ट करता है। तो इंस्पेक्शन होता है प्रमाइस का इंस्पेक्टर के द्वारा, जो कि वेरिफिकेशन करता है सारी चीजों का, जैसे कि एरिया और प्रमाइस का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, मशीनरी और इक्विपमेंट का वेरिफिकेशन, लेबोरेटरी इक्विपमेंट का वेरिफिकेशन, टेक्निकल पर्सन का वेरिफिकेशन, और भी जो रिक्वायरमेंट होती है उन सब का वेरिफिकेशन। फिर जो एक डिटेल रिपोर्ट होती है, ये सारी की सारी जो इंस्पेक्शन करी है इंस्पेक्टर ने, वो उनकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाता है और उसको सबमिट करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। अब ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो देखती है इसको अच्छे से, और अगर वो देखती है कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं तो वो एक लाइसेंस आपको प्रोवाइड करा देती है। जो लाइसेंस है वो 5 ईयर्स तक होता है, लेकिन आपको फिर रिन्यू भी
करवा सकते हो, आप जितने भी टाइम के लिए रिन्यू करवाना चाहते हो। जो लाइसेंस है वो फॉर्म नंबर 25D में दिया जाता है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए 24D में हम अप्लाई करते हैं और 25D में हमें मिलता है, और ये 5 years के लिए होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है अप्रूवल ऑफ टेक्निकल पर्सन, क्योंकि आपने जो बनाने हैं प्रोडक्ट, जो आपका एरिया प्रिमाइस है, आपने सब के लिए तो लाइसेंस बनवा लिया, लेकिन आपको जो टेक्निकल पर्सन है उसका भी अप्रूवल करवाना पड़ेगा। तो अप्रूवल करवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी आपका टेक्निकल पर्सन है उसकी डिग्री, उसका एक्सपीरियंस, जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग है वो सारा का सारा होना चाहिए। और जो भी टेक्निकल पर्सन है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की, किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो टेक्निकल पर्सन के अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए आपके पास में, और उसने आपके लेटर को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। तो अगर एक्सेप्ट किया है तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए उसके डिग्री और सर्टिफिकेट का, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो फॉर्म है टेक्निकल पर्सन का वो उसी के द्वारा ही फिल होना चाहिए, और उसके साइन भी होने चाहिए उसके ऊपर। अभी वेरिफिकेशन हो जाता है डिग्री का, एक्सपीरियंस का, इसको कौन करता है, इंस्पेक्टर करता है, और रिपोर्ट को सबमिट करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, और अगर सारी की सारी चीज़ें उसको ओके मिलती हैं तो वो अप्रूव कर देता है कि आप इस टेक्निकल पर्सन को रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट, की लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसमें से आधी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, जैसे जो लेबल होता है उसके अंदर लिस्ट होनी चाहिए सारे के सारे इंग्रेडिएंट की, उनके बोटेनिकल नेम भी होने चाहिए उसके साथ, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी हर्बल ड्रग के प्रोडक्ट आते हैं उन सबके ऊपर बोटेनिकल नेम भी होता है। इसके बाद में क्वांटिटी भी होनी चाहिए हर एक की, उसके बाद में रेफरेंस होना चाहिए कि आपने किस मेथड से उसको प्रिपेयर किया है, और वो मेथड किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक से लिया हुआ होना चाहिए। याद आता है कि जो भी आपने कंटेनर यूज़ करा है अपने प्रोडक्ट के लिए वो उसी सब्सटेंस का होना चाहिए जो स्केड्यूल ई में डिस्क्राइब्ड है। इसके बाद आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, जिस भी मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया है उसका नाम होना चाहिए, उसका लाइसेंस नंबर होना चाहिए, बैच नंबर, लॉट नंबर और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद में आता है कि वर्ड आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी मेडिसिन होना चाहिए, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं जनरल सबके लिए। तो आपका जो भी टाइप का प्रोडक्ट है, अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर आयुर्वेदिक मेंशन होना चाहिए, सिद्धा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर सिद्धा मेंशन होना चाहिए, और अगर यूनानी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर यूनानी मेंशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि एक्सटर्नल यूज ओनली, अगर वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही है तो आपको ये वाली इंडिकेशन भी देनी है, स्टोरेज कंडीशन देनी है कि किन किन कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन पे स्टोर करना है आपको प्रोडक्ट को। और नेक्स्ट आता है डोसेज इंस्ट्रक्शंस की, डोसेज कितना लेना है और ये किसके लिए बनाया गया है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर होनी चाहिए। थैंक यू।